तो अब हम बात करते हैं आगे, व्हाट इज पर्पस। तो पर्पस क्या है? तो पर्पस जो है ना, वो देखते हैं, कहते हैं कि भाई आपकी स्ट्रेटेजीज हैं, वैल्यूज हैं, रीजन फॉर बीइंग है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो इन चीजों को इंटरसेक्ट करती है। तो इट एक्सप्लेन्स व्हाई द कंपनी एग्जिस्ट। इट डिफाइंस द नोबल एंड्स टू विच द ऑर्गेनाइज एंड एम्प्लॉइज डेडिकेट देमसेल्व्स। ओके, तो लाइक आई सेड कि इफ यू डोंट हैव अ पर्पस देन एंड यू आर ड्राइविंग पीपल। अब अभी क्या है ना कि करण है, करण कहता है कि इम्प्लॉइज को कि नहीं, इस साल आपने 10 करोड़ किया ना, नेक्स्ट ईयर द टारगेट इज 20 करोड़। सो यू नो, इज इट रियली मोटिवेटिंग? गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट विल बी लाइक रियली मोटिवेटिंग टू इम्प्लॉइज? यस और नो, विल इट बी मोटिवेटिंग? सो नो वन इज मोटिवेटेड, नो वन इज मोटिवेटेड एट ऑल। एंड आई विल टेल यू अनदर ट्रूथ कि यू नो लाइक आई डाउट कि अगर करण ऐसा करता भी है ना, तो करण खुद भी मोटिवेट नहीं होगा। अगर एक सिर्फ एक नंबर है गाइस, अगर आप सच्ची में देखोगे, इफ यू लुक इनसाइड योरसेल्फ, तो टुडे यू मे हैव 100 करोड़, यू मे मेक अ टारगेट ऑफ 1000 करोड़। तो मे बी हो सकता है एट दैट स्टेज यू आर मोटिवेटेड, बट एट 1000 करोड़, इफ यू से ओके आई वांट टू मेक इट 10,000 करोड़, क्या वो मोटिवेशन रहेगा? विल दैट मोटिवेशन, द इक्वल मोटिवेशन बी देयर? तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दैट मोटिवेशन विल नॉट बी देयर। सो दिस इज की ऑलवेज जो है, यू विल फाइंड कि कंपनी का पर्पस हैज टू बी बिगर देन मनी। इट हैज टू बी बिगर देन मनी। इट इज कैनॉट बी अबाउट मेकिंग मनी। इट हैज टू बी अबाउट हेल्पिंग अदर्स। ओके, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी एंड कॉन्स्टेंसी ओवर डेकेड्स। ओके, तो गाइस अगर ना बात सिर्फ यही है कि पैसा ही कमाना है, तो वेरी सून यू विल रन आउट ऑफ स्टीम। तो आज की डेट में आप देखेंगे ना कि मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। So I conduct these technology trainings, and of course I never started it from monetary perspective. मैंने पैसे कमाने के एंगल से तो कभी शुरू ही नहीं किया था। In fact मैंने इसको as a business शुरू ही नहीं किया, ठीक है ना? ये तो as a help मैं technology tips डालता था। I used to put these tech tips in WhatsApp. Even nowadays, even I now put these tech tips and stories and all. Okay. तो लोगों ने मुझसे आगे बात करना शुरू किया, आपके now you tell us कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो training organize कर दो। तो लोगों का idea था, मेरा आइडिया कभी भी नहीं था। तो इट वाज नेवर माय आइडिया। पीपल सेड कि यू शुड स्टार्ट टेक ट्रेनिंग्स, एंड आई थॉट कि नहीं, ओके, व्हेन आई एम हेल्पिंग देम आई फील नाइस। ओके, व्हेन करण सेज कि सर बड़ा मजा आया, सतबीर सेज कि अच्छा लगा सर, दिस रियली हेल्प मी, अरे बिजनेस को फायदा हो रहा है, आप और बताओ क्या कर सकते हैं, तो दैट रियली ड्राइव मी। तो यू नो, तो आप बात समझ रहे हो, तो ये मोटिवेट करता है। बट देन अगेन व्हाट हैपेंस कि बिजनेस में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आज हमने वर्कशॉप किया, कोई भी नहीं आया। आज तो ठीक है, 100 से ज्यादा लोग आए हुए। कई बार ऐसा भी होता है कि वर्कशॉप किया और कोई भी नहीं आया, तो यू फील बैड कि ये सिर्फ 20 पीपल हैव कम। तो अगर मैं मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से सोचूंगा, मैं कहूंगा सिर्फ 20 लोग आए, मजा नहीं आया। बट फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं इस एंगल से सोची क्यों रहा हूँ, मैं तो लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। मैं तो जो 20 लोग आए हैं, चाहे 20 लोग आए चाहे 2 लोग आए, मैं तो उनको बेस्ट दूंगा अपना। तो आई विल गिव माई बेस्ट एंड ट्राई टू हेल्प देम टू द बेस्ट। वॉट डिफरेंस डज इट मेक कि टूडे देर आर 2 पीपल और 20 पीपल? Guys, is this making sense? Yes or no? ठीक है ना? तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, अगर you know, पैसे नहीं भी कमाए तो भी मुझे कौन रोक सकता है? No one can stop me from training you. ठीक है ना? मैं कोई टेक फ्राइडे के पैसे थोड़ी ले रहा हूँ, ठीक है ना? मेरा तो ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं तो सिखाऊंगा। भाई आज जो ट्रेनिंग है, मैं इसके पैसे थोड़ी चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कभी भी। तो अगर प्रॉब्लम आता भी है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव मॉनिटरी नहीं है, तो मेरा डिप्रेस होने का या नेगेटिव होने का चांस ही नहीं है। आई होप आई एम एबल टू मेक यू नो सम डिफरेंशिएशन है। अब आप समझ रहे हो, और अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर आज आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आप अगर आप खुद भी देखोगे कि वेन यू आर वर्किंग, तो यूनिवर्स भी जो है उन लोगों के लिए काम करता है जो औरों के लिए काम करता है। तो आप ये मान लो कि इट इज यूनिवर्स, मान लीजिए गॉड को मान लीजिए, किसी भी चीज़ को मान लीजिए, वो किसको ज्यादा देंगे? वो उसको देंगे जो उनका काम करेगा। तो आज मैं अगर यू नो इफ आई एम हेल्पिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल, तो यूनिवर्स विल गिव मी मोर ना, कि जा बेटा तू और हेल्प कर, क्योंकि मैं उनका काम कर रहा हूँ, मैं गॉड का काम कर रहा हूँ। तो यू नो दैट्स व्हाट एम्प्लॉइज कैन फील। ओके, एंड इनेबल्स कंपनी टू अडैप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस व्हाइल स्टिल स्टेइंग ट्रू टू कस्टमर फोकस पर्पसेस। तो यू नो बहुत सारे लोगों का स्ट्रैटेजी होता है कि इतना पैसा कमाना है, नहीं कमाया तो इरिटेट हो गए, प्रॉफिट नहीं हो रहा, टर्नओवर नहीं हो रही, क्योंकि फोकस अपने ऊपर है। जब एक हायर गोल होता है, तो इम्प्लॉयज भी उससे अटैच होते हैं, इम्प्लॉयज भी मोटिवेट होंगे और आप भी मोटिवेट हो गए, राइट? एंड यू नो
आप भी ये चीज नोट करोगे कि अगर आपका कोई क्लियर कट पर्पस नहीं है, इवन द ओनर हिमसेल्फ विल नॉट बी मोटिवेटेड बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, यू नो, टिल द पॉइंट ही बायज अ मर्सिडीज, टिल द पॉइंट ही इज इन अ फार्म हाउस, यू नो, आफ्टर दैट वो कहेगा कि यार अब मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना?